नमस्कार, वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं रविंद्र जोशी, उपाध्यक्ष राजधानी परिवहन पंचायत। मित्रों, आप सभी को बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी अपनी हिंद कैब 1 जुलाई 2020 को लॉन्च हो रही है। और इसमें हम किस तरह से काम करेंगे, कौन कौन हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करा सकता है, क्या इसकी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन कराने की, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाह रहा हूँ कि जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूचना है कि आप अपनी गाड़ी में जो सैनिटाइज़र, गाड़ी को सैनिटाइज़ करते हैं, वो सैनिटाइज़ अल्कोहल बेस्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं आ रही है कि जिसमें अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र यूज़ किया जा रहा है गाड़ियों में, उसकी वजह से गाड़ियों में आग भी लग रही है। और ये एक्चुअल गाड़ियों के लिए नहीं है। गाड़ी के लिए आप अपने घर पे भी सैनिटाइज़र बना सकते हैं। उसकी फटाफट मैं आपको एक विधि बता देता हूँ कि सबके घर में ब्लीच होता है, वो ब्लीच 1 चम्मच डालना है, 1 लीटर पानी उसके ऊपर मिक्स कर देना है और उसको आप अपनी गाड़ी में सैनिटाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लीच बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अपने कपड़ों पे ना डालें, ध्यान रखना, क्योंकि उस पर डालने से वो उस पर रेस हो जाती है, कपड़ा थोड़ा ख़राब होने की संभावना है। तो आप अपनी गाड़ी में अब ये ब्लीच बना के भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो फिटकरी होती है, वो फिटकरी आप अपने उसमें एक तवे पे लेके उसको गर्म करके, जैसे ही वो सूख जाती है, वो 1 लीटर पानी में डाल के उसमें 2 ढक्कन डेटॉल का पानी डाल दें और उसे मिक्स करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी थोड़ी मात्रा में ले और उसमें 1 लीटर पानी डाल के उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कृपा करके अल्कोहल बेस्ड आप सैनिटाइज़र यूज़ ना करें, जिससे कि हम सभी की सुरक्षा बनी रहे, गाड़ियों में सेफ्टी ज़्यादा रहे। कोविड-19 के दौरान आप लोग अपनी गाड़ियों में एसी का प्रयोग ना करें, चाहे कुछ भी हो। देखिए, आप मुझे भी देख रहे हो कि मुझे इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम वैसे तो कभी पसीने लाते नहीं हैं, एसी में ही हमेशा बैठे रहते। अब इस समय वैसे भी पसीने छूटे हुए तो थोड़े बहुत और सही। तो प्लीज़, वैसे तो मैं यही कहूँगा कि सभी ड्राइवर भाई अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, कैब चालक, बाकी जो लोडिंग वाले हैं उनके तो हम आर्मी फाइटर ही कहेंगे कि हमारे लिए वो फाइट कर रहे हैं और एक जंग की तरह ही वो सारा राशन और फूड वगैरह सब पहुँचा रहे हैं। अब मैं आपको हिंद कैब के बारे में बता देता हूँ कि हिंद कैब का जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है वो इस तरह से है कि वो शुरुआत में दिल्ली NCR में वर्क करेगी और कैटेगरीज वाइज ऐसा होगा कि कॉरपोरेट बुकिंग होगी, इसमें कॉल सेंटर की बुकिंग होगी, गवर्नमेंट के सेक्टर्स की बुकिंग होगी और कुछ आउट स्टेशन की बुकिंग होगी और जो हमारी सिटी की है। तो इस तरह से ये बुकिंग्स हम इसमें देंगे, हमारे जो भी मेंबर्स इसमें जुड़े हुए होंगे। हिंद कैब में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको हमारे एक हेल्पिंग ग्रुप है, वो हेल्पिंग ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। आप जैसे ही हमारे हेल्पिंग ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, आपको एक ID नंबर जनरेट होती है। ID नंबर जनरेट होने के बाद वो ID नंबर के साथ आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपको हमें व्हाट्सअप करने होते हैं। वो व्हाट्सअप करते ही आपकी गाड़ी हमारे साथ अटैच हो जाती है। हिंद कैब में अलग से अटैचमेंट की कोई प्रोसीजर इस वक्त नहीं है। जो लोग हमारे हेल्पिंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, केवल वही हिंद कैब में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बाकी आपको और कोई डिटेल्स चाहिए तो हमारे स्क्रीन में आप एक नंबर देख रहे होंगे, एक बार वो नंबर मैं बोल देता हूँ, 9810209915। इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप करें, आप इसमें लिखें, मैसेज में आपको लिखना है कि आप हिंद कैब से या हेल्पिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको हमारी तरफ से जल्द कॉल बैक की सुविधा प्रदान की हुई है, या फिर आपको जो भी उसमें नंबर मिले उस नंबर पे आपको कॉल करना है, तो आप इस माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमारी जो बुकिंग रहेगी वो दिल्ली NCR की गाड़ियों के लिए है, लेकिन हम आप सभी के सहयोग से जल्द ही पूरा इंडिया बेस स्टार्ट कर देंगे। आउट स्टेशन की बुकिंग सभी जगह हमारी गाड़ियां जाएगी, तो आप सभी के सहयोग की हमें ज़रूरत है, आप सभी के आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। हम सब एक साथ मिलकर चलना चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि हम सभी चालक अपने हक की कमाई कर पाए और जितना भी दूसरी कंपनियां हमें लूट रही है उस लूट से हम छुटकारा पाए। तो इसीलिए हम आपके लिए, हम सब ड्राइवर मिलके ही ये हिंद कैब को लॉन्च करके आप ही के लिए ला रहे हैं, जिससे कि हम अपने भाइयों तक एक बेनिफिट अच्छे से अच्छा कर पाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंद कैब से जुड़े, और हिंद कैब में जुड़ने के लिए आपको हेल्पिंग ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, और हेल्पिंग ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा जो मेरी स्क्रीन में ऊपर है उस नंबर पे। तो उसके बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।